हेलो लो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के ऊपर। गाइस इस वीडियो को पूरा देखना एंड आई थिंक आप लोगों को एक अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है गाइस। एंड बहुत सारे बंदे मेरे को सवाल करते हैं एंड पीसी में कैसे मोबाइल गेम्स को खेलते हैं गाइस, ठीक है। पहले टॉपिक आ जाते हैं पीसी में किस तरीके से मोबाइल गेम्स को खेलते हैं। गाइस इस वीडियो में मैं इसे भी बताऊँगा कि आप किस तरीके से पीसी में कोई भी गेम्स लाइक फ्री फायर, COC एंड जैसे कि मैं अभी प्ले कर रहा हूँ आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, तो ये सब गेम कैसे आप पीसी में खेल ले। तो गाइस वीडियो को पूरा देखो एंड गाइस जो बंदे मोबाइल पे खेलते हैं गाइस उनको भी देखना जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी आप पीसी खरीदोगे एंड किसी दोस्त के पास पीसी होगा तो भाई एक नॉलेज तो होना चाहिए कि आप पीसी में किस तरीके से जो मोबाइल गेम्स को इंस्टॉल करते हैं खेलते हैं। तो गाइस जो बंदे मोबाइल पे खेलते हैं उनके लिए भी वीडियो सही होगा, अगर आप इस वीडियो को देख के रखते हो तो फ्यूचर में आई थिंक आप लोगों को काम में आएगा, ठीक है गाइस। एंड गाइस शुरू करते हैं। गाइस अभी मैं खेल रहा हूँ आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। ये गेम लाइक कैसा है गाइस मैं आपको बताता हूँ, लाइक COC टाइप का गेम है। इसमें क्या होता है आपको बिल्ड करना पड़ता है अपनी टाउन हॉल, इसमें टाउन हॉल को कैसल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी टाउन हॉल वगैरह बनाना पड़ता है, बैरक्स अपडेट देने पड़ते हैं, जैसे आप ट्रूप्स होते हैं उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अनुपके ऊपर से आप अपनी बिल्ड बना सकते हो, जितने आप अपनी टाउन हॉल को बड़ा करोगे, जैसे कि होता है अपनी एरिया को जितना बड़ा करोगे, अपनी कैसल जितने बड़े करोगे उतने आप पावरफुल होते जाओगे, अपनी ट्रूप्स जितने अपडेट्स दोगे उतने आप ताकतवर हो जाए। यहाँ पे हीरोज है गाइस आपके पास बहुत सारे, आप इसको जितने भी खेलते जाओगे उतना अनलॉक होता जाएगा हीरोज। एंड आप अपनी ऑनलाइन बंदे जैसे कि बाहर की जो ऑनलाइन दुनिया है देख सकते हो, यहाँ पे बाहर देख सकते हो ये लोग ऑनलाइन बंदे हैं एंड इन पर आप अटैक्स कर सकते हो, इनके गिल्ड में आप ज्वाइन हो सकते हो गाइस, बहुत कुछ है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये दूसरा एक टाउन हॉल है, सोच लो मतलब दूसरे बंदा है, इन पे आप अटैक्स भी कर सकते हो, लाइक इस तरीके से आप अटैक्स कर सकते हो इनके ऊपर गाइस, देख सकते हो किस तरीके से जो है अटैक करते हैं इनके ऊपर। मैं अटैक करके आपको दिखा देता हूँ गाइस, एक अटैक यहाँ पे गाइस आपकी ट्रूप्स जो है इस तरीके से आप सेटिंग कर लो कि आप किस तरीके से, आप पहले एनिमी को देख लो, ओपोनेंट को देख लो कि आप उसको किस तरीके से अटैक करोगे। मेरे को यही अच्छा लगा मतलब गेम खेल के कि भाई इसमें ना कुछ नॉलेज मिलता है, मतलब कुछ दिमाग लगाने की कुछ चीज़ें होती है। मतलब अगर आप इस तरीके की गेम पसंद करते हो, मतलब COC टाइप की गेम, तो गाइस इस गेम को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मतलब इस तरीके से देखो मैं जिस तरीके से सजा रहा हूँ, मतलब इस तरीके से भाई बिठाने के बाद आप फाइट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फाइट शुरू हो जाएगा। मैं पहले हीरोज में अभी मेरे पास चार हीरोज़ है एंड एक एक हीरोज़ का एक एक एबिलिटी होता है एंड अगर आप एक हीरोज़ लेते हो तो आप एक एबिलिटी यूज़ कर सकोगे। जैसे कि मैंने तीन हीरोज़ लिया तो मैं तीन एबिलिटी यूज़ कर सकूँगा, एक एबिलिटी एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो अटैक शुरू हो चुकी है एंड मैंने आर्चर पीछे रखा है एंड उसने विजर्ड जो है पीछे रखा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे मेरी हीरोज़ की एबिलिटी को यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने एक हीरोज़ की एबिलिटी को यूज़ किया एंड मैं दूसरा हीरोज़ के भी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, एक ही बार एक हीरोज़ की एबिलिटी में एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि देख सकते हो मैंने दोनों हीरोज़ की एबिलिटी जो है यूज़ कर ली गाइस। तो इसी तरीके से गाइस क्या होता है कि आप जितने हीरोज़ लोगे उतनी एबिलिटी यूज़ कर सकोगे एंड इसी तरीके से आप ओपोनेंट पे अटैक करके अपनी टाउन मतलब आपकी कैसल को और भी पावरफुल कर सकते हो एंड और भी भाई अपडेट कर सकते हो। इस तरीके से जो है एक गेम जो है चलता है एंड कहीं ना कहीं मेरे को एक गेम बहुत ही अच्छा लगा है एंड इस गेम को मैं एक महीने से खेल रहा हूँ, मतलब पीसी में पड़े रहता है, जब मेरे को अच्छा नहीं लगता तब मैं खेल लेता हूँ मतलब कभी कभी, ठीक है। तो मेरी कोई भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और यहाँ पे ब्लू स्ट्राइक की लिंक मिल जाएगा आपको गैस, ठीक है। ब्लू स्ट्राइक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना और इस तरीके के पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इस पेज में एक डाउनलोड की ऑप्शन है, इसमें क्लिक करो जस्ट, और क्लिक करते ही आपकी जो पीसी है पीसी के अंदर जो ब्लू स्ट्राइक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो गैस यहाँ पे गैस अपनी पीसी में जो है ब्लू स्ट्राइक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ब्लू स्ट्राइक क्या है, ब्लू स्ट्राइक एक एमुलेटर है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है के थ्रू आप पीसी में भी अपनी मोबाइल गेम को खेल सकते हो। मैंने डाउनलोड कर लिया है ब्लू स्ट्राइक को गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ब्लू स्ट्राइक डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद इस पर डबल टैप करते ही देखो अपनी पीसी में दिख रहा है इंस्टॉल नाउ, मतलब जैसे मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करती है उस तरीके से आपको पीसी में अपनी ब्लू स्ट्राइक को इंस्टॉल करने लिए। तो पीसी में देख सकते हो ब्लू स्ट्राइक इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल होते होते मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मोबाइल में गेम खेलते हैं तो ब्लू स्ट्राइक अगर पीसी में इंस्टॉल कर लेते हो तो ब्लू स्ट्राइक एक मोबाइल की तरह हो जाता है, आपकी पीसी में एक मोबाइल है सोच लो, ठीक है। तो उसके अंदर आप गेम खेल सकते हो बहुत ही आसानी से। गाइस यहाँ पे ब्लू स्ट्राइक इंस्टॉल हो रहा है गाइस, देख सकते हो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉलेशन को थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि पहली बार इंस्टॉल होता है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद देख सकते हो यहाँ पे 62% इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है।
यहाँ पे इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करते ही देख सकते हो यहाँ पे ब्लू स्टैक खुल गया। और यहाँ पे देख सकते हो जो छोटी सी विंडो आ रही है गाइस, इस विंडो का बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। और इसके अंदर आपकी पूरा मोबाइल है गाइस, देख सकते हो पूरी मोबाइल की तरह हो रहा है। देखो गाइस अंदर एक प्ले स्टोर है, ये देखो ये एक मोबाइल ही, सोच लो कि पीसी के अंदर एक मोबाइल है। इसके अंदर मोबाइल की सब कुछ आप कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल पे जो जो कर सकते हो इस पे भी पीसी के अंदर ब्लू स्टैक के अंदर सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि नया फोन खरीदने पर आपको लॉग इन करना पड़ता है, ठीक सेम टू सेम गाइस ब्लू स्टैक अगर पीसी में इंस्टॉल करते हो पहली बार आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे मेरा जीमेल दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ एंड लॉगिन कर लेता हूँ सिंपली। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपकी प्ले स्टोर जो खुल जाएगी, जैसे अपनी मोबाइल पे प्ले स्टोर खुल जाती है ऐसे पीसी में भी आपकी प्ले स्टोर खुल जाएगी। और सिंपली आपकी जो मर्जी जो बोले गेम, जो भी गेम आपको अच्छी लगती है उस गेम को अपनी प्ले स्टोर से डाउनलोड करो एंड जस्ट चिल प्ले करो। बहुत ही आसान है गाइस, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे को पता है। और गाइस बहुत ही सिंपल ट्रिक था, तो गाइस लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी, तो कुछ नॉलेज मिला कैसे आप पीसी में गेम खेल सकते हो। तो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो था।